स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। इस पाठ में सब टॉपिक शून्य और एक बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध, ये आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 2, सेशन नंबर 4। सो फर्स्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 8x + 6। सो इसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो फैक्टर जो कि हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है, कैसे निकालेंगे कि जो मिड टर्म है, मतलब 8x, सो 8x एडिशन और सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए। एंड 2 × 6 12, एंड 12 मल्टीप्लीकेशन आए, ऐसे नंबर चाहिए। सो ऐसे कौन से नंबर है, -6x and -2x = -8x। सो यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस। ओके, देन यहाँ पे 6 × 2 = 12, -2 × 6 = -2 = +12। सो इसलिए ये फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इंस्टेड ऑफ 8x वी पुट दीज टू नंबर्स, सो 2x² - 6x - 2x + 6। सो नेक्स्ट स्टेप, टेक कॉमन, जो भी सिमिलर टर्म्स है या फिर जो भी सेम नंबर है उसे कॉमन ले लो, साइड में ले लो, फिर 2x ((-3) - 2x - 3। सो ये कॉमन है, सो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, x - 3 और 2x - 2। ठीक है, सो 2x - 2 and x - 3। सो यहाँ पे इस ब्रैकेट में हम लोग 2 कॉमन ले रहे, सो 2x - 1 = 0 एंड x - 3 = 0। सो x = 3 एंड x = 1। हाउ इफ दिस 2 गोज दैट साइड, अगर ये 2 उस साइड चला गया तो क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए x - 1 = 0, x = 1। सो यहाँ पे हम लोगों को x के वैल्यूज क्या मिल रहा है, 3 and 1। यानी ये ग्राफ x एक्सिस को कौन से पॉइंट में मीट करेगा, 3 and 1। सो इसके शून्य यानी जीरोस कौन से हो गए, 3 and 1। सो नेक्स्ट, सम ऑफ इट्स जीरोस, मतलब जो भी x = वैल्यूज आए थे लास्ट एग्जाम, लास्ट स्लाइड में, वो हमें एज ए जीरोस यहाँ पे लेके सॉल्व करना है। सम ऑफ देयर जीरोस इज 1 + 3 = 4। क्या आया था यहाँ पे, x = 1 and x = 3, सो 1 + 3 = 4। सो इसी सम ऑफ जीरोस के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, इसके शून्यों का योग, जो कि (coefficient of x and coefficient of x²). सो जो भी वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमें यहाँ पे लेके सॉल्व करना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, सो -(+8/2) = 4। अगर आपको देखना है कि ये एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर है, सो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं कि पीछे
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है और एक्स माइनस 8। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब शून्यों का गुणनफल डायरेक्टली अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 3 इज इक्वल टू फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब कांस्टेंट कौन सा नंबर है, 6, गुणांक कितना है 2, सो 6/2 इज। सो नेक्स्ट, सामान्य तौर पर यदि अल्फा और बीटा के शून्य द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, फिर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी यानी एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा के कारक है पी ऑफ एक्स, इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। सो ये देखेंगे हम लोग एक्चुअली यहाँ पे क्या लिया है, अल्फा एंड बीटा मतलब क्या कि जीरोस, मतलब जो हम लोगों के आंसर आ रहे थे वही। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स और के गुणांक की तुलना करना, दोनों पक्षों पर निरंतर शर्तें हम मिलते हैं ए इज इक्वल टू के। सो एक्चुअली हम लोगों का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। सो यहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि ए इज इक्वल टू के रखो, सो के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। बी इज इक्वल टू के माइनस के अल्फा प्लस बीटा और सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा रखिए। सो यहाँ पे ए प्लस बी कैसे मिलेगा, ए यानी अल्फा, अल्फा प्लस बीटा कैसे मिलेगा, सी लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बी इज इक्वल टू माइनस के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ओके। सो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी ए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यों का योग क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, और अगर के लिए मैं ओरिजिनल वैल्यू रखूंगी तो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन किस इक्वेशन में या फिर किस समीकरण में दिख रहा है, सी, सो सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, सो सी इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा, देन अल्फा इंटू बीटा के ये जो यहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो सी अपॉन के, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के। लेकिन अगर मैं के की जगह पे ओरिजिनल वैल्यू पुट करूंगी तो सी अपॉन ए, सो यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हो गया शून्यों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस बीटा बी अपॉन ए, शून्यों का योग, शून्यों का गुणनफल सी अपॉन ए। सो यहां तक समझ में आया कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल माइनस बी अपॉन ए, शून्य का गुणनफल सी अपॉन ए,
सो उदाहरण दो, शून्य का पता लगाइए, द्विघात बहुपात x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और शून्य के बीच संबंधों का सत्यापित करें और गुणांक, मतलब क्या क्या करना है यहाँ पे हम लोगों को, गुणांक निकालना भी है और उसके वैल्यूज के लिए ये राइट है या नहीं वो भी देखना है। सो सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि जो कि 10 है इसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और 7x इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन। सो यहाँ पे देखिए सेंटर साइन क्या है, एडिशन है, यहाँ पे भी क्या है प्लस है, यानी यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ प्लस करना है, ओके। सो 7 एडिशन आनी चाहिए और 10 मल्टीप्लीकेशन, ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 2 5 10 एंड 2 5 7, ओके। सो कौन से दो नंबर लेंगे हम लोग, 2 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। सो 2x मैंने बाद में लिया क्योंकि 2 और 10 में हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसलिए वो नंबर बाद में लिखा। सो नेक्स्ट x, x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। सो x प्लस 5 x प्लस 2। सो ये हो गया उसके जीरोस, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दोनों उसके जीरोस हो गए। सो अभी हम लोगों को सेम x इज इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 2 ये वैल्यूज आ रहे या नहीं आ रहे ये हम लोगों को फॉर्मूला में पुट करके देखना है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट वही करेंगे। सो हमें इससे पहले x के लिए क्या क्या वैल्यूज मिले थे, x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। सो अभी नेक्स्ट हमें इसे सेम इक्वेशन को फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है। सो जैसे कि उदाहरण पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सो यहां पे सम ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर हम लोग बोलेंगे योग ऑफ, शून्य का योग, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो यहां पे बी क्या है, 7, सो इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 1 माइनस 7, ठीक है। सो यहां पे अगर हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7। सो दिस इज राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, या फिर हम लोग एज अ फॉर्मूला भी कर सकते हैं, जैसे कि सी अपॉन ए। सो सी अपॉन ए क्या है, सी 10 है, यहां पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, ए बी सी। सो सी 10 अपॉन ए 1, ठीक है। सो प्रोडक्ट करके देखेंगे, माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 10, और यहां पे भी क्या आ रहा है 10, यानी ये दोनों भी सेम है।
ठीक है। सो यानी जो भी इक्वेशन समीकरण हम लोगों ने सॉल्व किया उसके लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यों का योग एंड शून्य का गुणनफल दोनों भी बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मतलब ये समीकरण सत्यप्रिय है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यों का गुणनफल एंड सम ऑफ जीरोस यानी शून्य का योग कैसे निकालते हैं और उसे हम लोग कैसे इक्वेट करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला के साथ। थैंक यू।